हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड। फ्रेंड, आप सभी को बता दूं कि जेपी यूनिवर्सिटी छपरा स्नातक पार्ट वन सेशन 2020-23 एंड स्पेशल एग्जामिनेशन 2021 का जो एडमिट कार्ड है उसको जारी कर दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है। चलिए हम आपको स्टेप बाई स्टेप सारी जानकारी एक एक करके बताना शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको सही समय पर मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, अगर आप स्नातक पार्ट वन सेशन 2023 के स्टूडेंट हैं और अगर आप लोग सिलेक्टेड क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो आप सभी के लिए कुछ सब्जेक्ट का सिलेक्टेड क्वेश्चन तैयार हो चुका है, जो कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 80832888909 पर जाकर व्हाट्सअप करें, वहां से आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसके लिए आपको कुछ मिनिमम चार्ज देना होगा। चलिए फ्रेंड, आते हैं अपने पॉइंट वाली बात पर। फ्रेंड, आप यहां पर देख पा रहे हैं, मैं गूगल को ओपन कर लिया हूं। यहां पर आपको सर्च बॉक्स दिख रहा होगा। सर्च बॉक्स पर हम लोग क्लिक करेंगे। सर्च बॉक्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे jpbadmission.org। देखिए, आप यहां पर देख सकते हैं jpbadmission.org। इसको क्लिक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद आप सभी यहां पर देख पा रहे हैं कि हम लोग जेपी विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। फ्रेंड, आप सभी को मालूम होगा कि जेपी यूनिवर्सिटी अपने तरह तरह के कारनामे के लिए जाना जाता है। कभी रिजल्ट गड़बड़ करता है तो कभी कुछ गड़बड़ करता है तो कभी कुछ गड़बड़ करता है। एक बार फिर से आप सभी को मालूम होगा कि लगातार हर साल आपको ऑफलाइन में एडमिट कार्ड मिलता था, लेकिन इस बार ऑनलाइन एडमिट कार्ड को जारी किया गया है। देखिए फिर मैं ऊपर की ओर जब स्क्रॉल किया तो आप यहां पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। नोटिफिकेशन में आप यहाँ पर देख पाएंगे स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड टू लॉग इन एंड डाउनलोड द एडमिट कार्ड। यानी कहने का मतलब है, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपके पास यूजर आईडी या ईमेल आईडी, उसके बाद आपका पासवर्ड होना चाहिए। चलिए पहले हम इस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड, मैं इस पर क्लिक कर दिया हूँ। देखिए फ्रेंड, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैं इस पर क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपसे यहाँ यूजर अकाउंट बोला जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको यूजर नेम और ईमेल आईडी कोई एक ही डालना है। अगर आपके पास यूजर नेम है तो यूजर नेम इसमें डालेंगे, या ईमेल आईडी है तो आप लोग ईमेल आईडी इसमें डालेंगे। उसके बाद इसमें आपको पासवर्ड डालना है, तथा उसके बाद नीचे आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि ये आपको कैप्चा दिख रहा होगा, तो इसमें आप लोग कैप्चा फिल करेंगे। अब बहुत सारे छात्रों के मन में ये सवाल है कि मेरे पास यूजर नेम कहां से आएगा। फ्रेंड, आप सभी को मालूम होगा कि जब आप पार्ट वन का फॉर्म को फिलअप किए होंगे तो उस समय आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिला होगा, या आप सबसे पहले जब आप एडमिशन के समय भी अपना अकाउंट को लॉगिन करते हैं तो उस समय भी आपका यूजर नेम पासवर्ड बनता है। उसके बाद आपका जब पार्ट वन का फॉर्म भरते हैं उस समय भी आपका यूजर नेम और पासवर्ड वही रहता है। समझिए कि एक बार आपका यूजर आईडी और पासवर्ड बन गया तो आपका जेपी यूनिवर्सिटी में जो भी काम होगा उसी के द्वारा होगा। अब यहाँ पर बहुत सारे छात्रों के मन में ये सवाल आएगा कि सर, मैंने जब पार्ट वन का फॉर्म भरा तो वहाँ पर ईमेल आईडी में साइबर कैफे वाला का डाल दिया हूँ। तो फ्रेंड, आप लोग जहाँ से भी अगर साइबर कैफे वाले के पास अगर आप लोग डाले हैं तब अपना डाले हैं तो कोई बात नहीं है, अगर साइबर कैफे वाले का डाले हैं तो उनका ही ईमेल आईडी यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा और आपको पासवर्ड मालूम होगा, तभी आप लोग इसको खोल पाएंगे। अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर यूजर आईडी याद है या ईमेल आईडी याद है, पासवर्ड याद नहीं है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रिक्वेस्ट न्यू पासवर्ड, इस पर आप लोग क्लिक करके अपना पासवर्ड को फॉरगेट कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड, मैं आपको सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको इसको डाउनलोड करना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ डाल करके।
फ्रेंड आप यहां पर देख पा रहे हैं कि मैं यहां पर ईमेल आईडी और यहां पर पासवर्ड को डाल दिया हूं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से इसको हाइड कर दिया हूं। फ्रेंड आप यहां पर देख पा रहे हैं जो कैप्चा था उसको भी मैं फिलअप कर दिया हूं। अब यहां पर मैं लॉगिंग पर क्लिक करूंगा। देखिए फ्रेंड लॉगिंग हो रहा है, थोड़ा नेटवर्क स्लो है। फ्रेंड अब आप यहां पर देख पा रहे हैं एक इनका यूजर आईडी और पासवर्ड था उनका यहां पर लॉगिंग हो चुका है। फ्रेंड अब आप यहां पर देख पा रहे हैं आपको यहां पर नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे छात्रों का अभी एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहा है। लगातार आप लोग कोशिश करते रहें, यहां पर आपका डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का यहाँ से ही एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है और बहुत सारे छात्रों का अभी प्रॉब्लम कर रहा है। आपको मैं पहले ही बताया कि जेपी यूनिवर्सिटी तरह तरह का कारनामा करता है, कभी कुछ करता है तो कभी कुछ करता है। अभी तक इनका जो है एडमिट कार्ड को यहाँ पर अपलोड नहीं किया गया है, या हो सकता है कि कोई टेक्निकल इश्यू होगा। आप सभी को मालूम होगा कि इसके पिछले साल 19-22 का रिजल्ट जारी हुआ था तो उसमें कितना बड़ा गड़बड़ी हुआ था। ठीक उसी तरह से यहाँ भी देखा जाए तो एडमिट कार्ड को कल ही जारी कर दिया गया है। कल मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि हो सकता है कि रात भर में कुछ सुधार हो जाए, लेकिन ठीक उसी तरह से कल जैसा ही आज भी दिख रहा है यहाँ पे। उम्मीद है कि एक दो दिनों में आपका जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड होना यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे छात्रों का डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है, आप लोग भी यही मेथड को फॉलो करेंगे तो आपका भी एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, अगर वेबसाइट सही तरीके से काम करता है तो। फ्रेंड मुझे उम्मीद है कि सारी जानकारी को मैं एक एक करके आपको बता दिया हूँ, फिर भी कोई जानकारी रह जाती है तो आप सभी कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा आपके जवाब देने का। चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।